हेलो बच्चों, अभी हम बात करेंगे चैप्टर वन की, जो है पॉलिटी का, यानी कि सामाजिक विज्ञान, सॉरी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो का जिसका हिंदी में नाम है और इंग्लिश में इसको हम पॉलिटी बोलते हैं, जो कि है चैप्टर वन आपका क्लास एट का। ठीक है, जो पहला वन चैप्टर है वो क्या है, भारतीय संविधान, इसको इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि भारत का संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, एक संविधान का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों का अपने देश को चलाने के लिए भी हमारे पास एक संविधान है। ठीक है, जो सबसे पहली बार एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन सबसे पहली बार कब किया गया था, 1946 में, यानी कि 1946 में हम लोग क्या किए थे, हम लोग संविधान सभा का गठन किए थे। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक क्या ये सभा चली और संविधान लिखा गया। ठीक है, इन टाइम में, उसके बाद और लास्ट में जाकर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। ठीक है, हमारा संविधान प्रभावी रूप से लागू हो गया इस टाइम से। ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ सब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, जो कि कब लिख के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये लिख के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, इसके निर्माता पूरे संविधान सभा के गठन में, इसके जो संविधान का निर्माता थे कौन थे, भीमराव अंबेडकर, जिसको बीआर अंबेडकर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिनका पूरा नाम था क्या, भीमराव अंबेडकर, ये हमारे संविधान सभा के निर्माता थे। ठीक है, और पूरी इनकी एक टीम थी। ठीक है, संविधान ये जो किए गए थे ना, संविधान सभा का गठन, उसमें उनके जो हेड थे वो बीआर अंबेडकर थे, इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारा संविधान लिखने में पूरा 2 वर्ष 11 महीना और लगभग 18 दिन के आसपास इसमें समय लगा था। ठीक है, संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसमें हमारे भारतीय संविधान में लगभग कितने, 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, टोटल 25 भाग हैं, जो सबको बांटा गया है 25 भाग में, इन सारे अनुच्छेद को बांटा गया है। ठीक है, और 12 अनुसूची है। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो भाषा वाला जो सेक्शन आता है, जो हम लोग का संविधान में जो 22 भाषा का जिक्र किया गया, वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया, किसमें, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कोई भी भाषा को अगर जोड़ ऐड करना होता है, निकालना होता है, तो इसी 8वीं अनुसूची में हम लोग डालते हैं। ठीक है, और अभी तक जब भी कोई संविधान में कुछ जरूरत पड़ता है ऐड करने का या फिर उसको निकालने का, तो संविधान में ऐसे नहीं होता, उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें अभी तक हम लोगों के संविधान सभा में, संविधान में टोटल 127 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, अभी तक 127 बार संशोधन हो चुका है, ये कोई फिक्स लिमिट नहीं है, जब जब इसका जरूरत पड़ेगा तब तक इसका क्या होगा, संशोधन होगा। ठीक है, और ये अनुच्छेद, भाग और अनुसूची क्या है वो समझिए। अनुच्छेद जो होता है कि कोई जितना भी लॉ बनता है, जितने भी कौन से लॉ में कौन सा लॉ किसके लिए होगा, वो सभी क्या, अनुच्छेद के अंदर में आएंगे। ठीक है, और सभी अनुच्छेद को 22 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसको शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो 22 भाग में इसको बांटा गया। अनुसूची तो आपको बता ही दिए, चूंकि 12 अनुसूची है, कोई भी सबका अलग अलग काम है, जिसको जिस अनुसूची में रखना होता है हम लोग उसमें रखते हैं। ठीक है, जैसे भाषा के लिए 8वीं अनुसूची है। ठीक है, वही अब देखिए, संशोधन हम लोग बता चुके हैं 127 बार हुआ है। ठीक है, और आगे भी ये हो सकता है, जिस जरूरत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। इसके बारे में और डीप वीडियो आपको मिलेगा आगे। थैंक यू।